हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने जा रही है। हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर दिया कढ़ाई में, बिल्कुल बढ़िया वाला एकदम सरसों का ऑयल लिया हमने। ये अच्छे से हीट हो रहा है एकदम, देखिए आप, बढ़िया वाला कोई भी कंपनी का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें डाल दिए हैं ये ग्रीन चिली डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे अभी यहाँ पे अनियन। अनियन हमने काट लिया, कम से कम 3-4 अनियन अच्छे से इसको वॉश करके काट लिया दोस्तों, नॉर्मल कट्स कर लिए हैं। ये ले लिया हमने बैंगन। बैंगन को हमने अच्छे से हीट कर लिया, हीट इन द सेंस रोस्ट कर लिया है चारों तरफ से, बढ़िया हल्का सा ऑयल लगाने के बाद। उसके बाद हमने ये ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया, देखिए बढ़िया सा एकदम धुआं निकल रहा है, ऑयल एकदम गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हींग। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा जब घर में कुछ भी ना हो ना, तो इसको ट्राई आप कर सकते हैं। यहाँ पे डाला है मैंने जीरा। ये बहुत ही बढ़िया तक रेसिपी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये रेसिपी आपको शायद ही कभी मिले। इसमें मैं ग्रीन चिली डाल दिया हूँ, हींग डाला, जीरा डाला और उसमें डाल दिया हमने ग्रीन चिली। ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अनियन। ये अनियन डाल दिया दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये विदाउट टमाटर बनने जा रही है और बहुत ही सिंपल है। जो घर में कुछ भी ना हो ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ऑसम बनती है, ऑसम बिल्कुल। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर देंगे, देखिए आप, बढ़िया तरीके से एकदम फ्राई हो रही है, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनने जा रही है सब्ज़ी। इसको ना मस्टर्ड ऑयल में ज़रूर बनाइए दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल का अलग ही टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमने बैंगन ले लिया है अच्छे से, इसको हम अब काट लेंगे। थोड़े बहुत छिलके इसमें रहने दीजिए, क्योंकि जो रोस्टेड इसका जो टेस्ट आएगा ना, वो बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है। तो ये देखिए, छिलके हमने निकाल दिए इसको अच्छे से। अब हमारा अनियन अच्छे से भून रहा है, देखिए अनियन बढ़िया सा भूनने वाला है। और जो बैंगन था ना हमारा दोस्तों, बैंगन, वो बैंगन को हमने जैसे बारीक पीसेस में कट कर लिया है। इसमें कभी कभी कीड़े भी निकल सकते हैं, तो आपको ध्यान से इसको देखना है और उसको काट देना है, और फ्रेश बैंगन यूज़ करिए। यहाँ पे हम मसाले डालने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे हल्दी यूज़ किया है थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे अभी ये कश्मीरी लाल मिर्च, आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट अनुसार, या इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर हमने डाल दिया इसमें, देखिए दोस्तों, धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा, इसको भी स्किप कर सकते हैं आप, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनने जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से और मसालों को भूनने देंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक इस एंड पे मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि प्याज जो थोड़ा बहुत कुरकुरापन है प्याज में ना, वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और बढ़िया तरीके से मसालों के साथ और अनियन के साथ ये मिक्स हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास टमाटर है तो टमाटर भी इस स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने टमाटर नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। टेस्ट फिर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ ना हो तो आप इसको ट्राई करिए। बैंगन जो हमने काटा हुआ था, इसको हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, देखिए क्या बेहतरीन कलर आ रहा है, एकदम यूनिक, इतना लाजवाब और टेस्टी है ना दोस्तों। इसको धनिया से, कस्तूरी मेथी को ग्राइंड करके हाथ से आप इसमें डाल सकते हैं, और रेसिपी को बिल्कुल इंजॉय करिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।